ये जो जनाब है ना एवरी टाइम आई सीम ऑलवेज कुछ नया है कुछ नया तरीका है और अब इनको हेलो बोलने का भी तरीका बदल चुका है जप नाम जपनाम मोपा भैया वन एंड ओनली मैन हु हैज सेट द परफॉर्मेंस लेवल सो हाई आई रिमेंबर मेनी इयर्स अगो जब शाहिद कपूर अपनी जगह ढूंढ रहे थे uh, विशाल भारद्वाज साहब का बहुत बड़ा नाम था

तुम्हारी जिंदगी में सब एक तरफ और आश्रम एक तरफ क्या बात है? मतलब एक आदमी जो इतनी सारी फिल्में कर चुका है मुझे लगता लोगों के 20-25 साल के बाद वो रिक्शन आता है भिल्कुल. आपकी शुरुआत में भी रेकनीशन आया बीच में लल पीरियड आया लेकिन दोबारा 10 साल के बाद अगेन यूर बैक ऑन एक्चुअली स्पीकिंग इट्स नॉट सच लॉन्ग पीरियड

Kind of yes. I mean, जनरली में किसी आर्टिस्ट के लिए आई थिंक तीन चार करेक्ट बहुत होता है mm -hmm. you know, कि आपको अगर आप कोई भी अभिनेता या डायरेक्टर उनका नाम सोचेंगे तो आप दो या तीन ही yes. याद कर अगर आप इवन हमारे चॉकलेट हीरो की बात करें सुपर स्टार्सरुख सलमान अभी भी

इन बरसात yes. और गी, गुप्त सोल्जर सोल्जर मतलब इतनी बड़ी बड़ी हिट्स बिच्छू और मतलब बरसात तो मुझे याद है जब मैं क्लास ट्वेल्थ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था तब बरसात रिलीज हुई थी और मैं दिल्ली में था और मैं स्कूल से वो एक्स्ट्रा क्लासेस बंक करके प्लाजा थिएटर में मैं देखने गया था बरसात तो क्या क्रेज़ था और अभी तो देखिए मैं हम लोग बात कर रहे थे कि right. सोशल मीडिया वगैरह वगैरह अभी चीज़ें छोटी हो गई है ना आपका वो थमलेन में आप सब कुछ देख के आगे बढ़ जाते हो लेकिन मुझे याद है बरसात का पोस्टर लगा था इतना बड़ा बॉबी देओल मतलब तीस फीट का बॉबी देओल के वो लगते थे ना कटआउट्स <laughs> और सारे हैंड पेंटेड दैट वॉज आर्ट वो मतलब पोस्टर आर्ट वो बॉबी देओल उनके साथ काम किया और वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एक एक्टर के लिए कितना मुश्किल होता है कि वो बोले चंदन अभिनय जो तुम कर रहे हो और ये मिलना बिछड़ना मिलना खोना इट्स सो डिफ़िकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस to go through this you know chains of rejections in life but you always have to come back and hit it where you lift you know i mean like batsman aapne kaha of course abhi to 12 chakke maar diye unhone 6 balls pe 12 chakke but pata hai ek therapeutic bhi hota hai bada you know when you are making a big career graph है करियर ग्राफ को देखना पड़ता है अगर आपने सिर्फ ऊपर ऊपर ही देखा हो तो या फिर वो मजा नहीं आता है ना आई गेस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक करंट वर्ल्ड सिनेमा होता है जहां लोग बाहर से देखते हैं जहां अवेयरनेस चार साल में बहुत बढ़ गई है एक अलग ही माहौल अभी आ चुका है जहां ऑडियंस uh, बहुत ज्ञानी हो गई है शायद पहले भी थी yeah. लेकिन अब उनके पास एक चांस मिल गया मौका मिल गया टू शॉर्ट ऑफ गिव आउट टू द वर्ल्ड इज दिस लाइक अ वेरी हैप्पी टाइम फॉर एवरीबडी इन द इंडस्ट्री एंड ऑल्सो थोड़ी इनसिक्योरिटी अब होती है कि जितनी जल्दी आपको ऊपर ले जा रहे हो अब आजकल तो फ्राइडे फ्राइडे भी वेट नहीं आ रहे शाम तक यू विल बी डाउन ये थोड़ी इनसिक्योरिटी है एक्टर्स की अच्छा मुझे लगा शाम तक यू विल बी अप सुनने में लगा लेकिन ये शाम तक यू विल बी डाउन या यू कैन या पर डाउन नो इट्स ट्रू लाइक यू नो पहले और पहले फिल्मों में मतलब बोलते थे ना कि प्लैटिनम जुबली गोल्डन जुबली डायमंड yeah. जुबली मतलब एक फिल्म कोई भी आप उठा के देख लीजिए जैसे पुरानी फिल्म वो मतलब घस घस के दो महीने चली थिएटर में उसके बाद ही बोलते अरे यार फिल्म चली नहीं <laughs> ऐसे आ, बोलते थे ना right. और फिर छः महीने चली लाइक शोले जो भी उसकी लेजेंडरी कहानी है कि इतने दिन नहीं चली उसके बाद पिकअप किया right. तो मतलब उतने दिन चलना और बिजनेस कमाने के बाद भी लोग बोलते थे टेस्ट कितना डिफिकल्ट होता था अभी क्या है अलग तरह की डिफिकल्टी है कि आपने अभी दोपहर को रात के बारह बजे रिलीज हुई और लोग वो वॉचिंग कर रहे हैं कि नहीं उसका मीटर पारा ऊपर जा रहा है कि नहीं और कितना चला इट्स सो फास्ट एंड सो लाइक लाइटिंग स्पीड और वो पता चल जाता है कि रात को मतलब लोग जग जग के वो शोज़ वगैरह देखने शुरू करते हैं और फिर सुबह तक पता चल जाता है कि भाई राइट right. ये शो लोग देखने वाले हैं कि नहीं बिकॉज ऑल्सो इट्स नॉट जस्ट एन यू वॉचिंग ऑन इंटरनेट फिर वो आपका एक इधर क्या व्हाट्सएप आ गया थोड़ा इंस्टाग्राम फिर फेसबुक पीपल स्टार्ट पोस्टिंग ऑफ कोर्स एंड इट जस्ट कैचेज लाइक अ वाइल्ड फायर यू नो कि मतलब आपने फैमिली ग्रुप में डाल दिया कि अरे ये देखा मैंने अरे वो देखा

लेकिन फिर वो आदमी वैन द सक्सेस कम्स यू आर एक्चुअली इन अ वेरी मोर सॉर ऑफ स्टेट वेर यू कैन हैंडल इट वेल कि ऐसा नहीं है कि आज ही आज मिला और मैं पागल हो गया और फिर वैसे एक्टिंग और सब यू you नो know, वो एक्चुअली बहुत एक मेडिटेटिव uh, हो जाता है एक एक uh, अच्छा होता है मतलब मुझे लगता है कि सबको एक बार लाइफ में नीचे जाना चाहिए ताकि उसके जो उसके जो सुगंध है ना एंड यू कैन फील इट कमिंग यू नो यू जस्ट डोंट नो व्हेन इट विल कम बट यू कैन फील इट कमिंग कि आएगा और आ रहा है शायद आ चुका है और ये इट्स लाइक अ पासिंग फेज ये भी चला जाएगा फिर आप बिकॉज यू हैव टू गो बैक टू वर्क यू हैव टू फाइंड वर्क एंड कीप डूइंग इट मतलब ऋषिकेश मुखर्जी या इस तरह के जितने बड़े बड़े जीनियस हैं मतलब गुरुदत्त साहब उन्होंने फिल्में बनाई ही डिप

यूज़ टू रेली लुकअप टू मिस्टर इरफान खान वो एक ही थे जिनसे मुझे बहुत स्नेह और प्यार और एक अलग तरीके की स्फूर्ति और एनर्जी मिलती थी वो जब गए तो मुझे काफ़ी दुख हुआ और एक हैं कमलहासिन साहब oh. तो कमल अभी भी विक्रम सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ दियाड में एंड On its way to becoming the most wow. biggest blockbuster of all time. So, Kamalasan actually has been my all time favorite actor. I I want to be not like him, but I get a lot of inspiration because I want to, like, I also make short films, I write, I want to make my own films, I want to produce films. So, like, I think Kamalasan is like that gentleman who's done so much in life. He's yes. not stuck to his stardom or this thing. He always tries. Like, when I

कमल इकलौता ऐसा था जिन्होंने अपने हिसाब से ऑलवेज खुद किया और ऑडियंस को फोर्स किया उसको पसंद करने के लिए कहते ये पावर एक सुपरस्टार का सिर्फ इनका था और किसी का नहीं था इट्स वेरी ट्रू एक्चुअली यू नो ये दो ही तरीके हैं hmm. या तो आप धारा के साथ बहें या धारा के अगेंस्ट अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम सो आई थिंक ही वॉज समान गोइंग लाइक अगेंस्ट द टाइड इन ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ नहीं बट

कमल हसन एज समली और मैं श्रुति हसन को सालों साल बोलता रह गया <laughs> अगर वो सुन रही है <laughs> कि मिलवा दे भाई <laughs> आज तक उसने अपने डैडी से नहीं मिलवायादर फिल्मी नो 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 आई आई एम नॉट थिंकिंग एट ऑल की क्योंकि क्या होता है डर तब पैदा होता है एक अभिनेता में कि जब आप प्रिपेयर करते हैं कि क्या करने वाले हैं उसको बिकॉज यू कैन कंट्रोल दीज थिंग्स क्या आज भोपा जो किरदार लोगों को इतना पसंद आया पीपल आर मतलब मैं अगर सड़क पर जाऊँ लोग गाड़ियाँ घुमा घुमा के ट्रैफिक रोक के रखे मतलब भाई गाड़ी हटा ले पीछे लोग रुके हुए हैं फिर वो पीछे वाला भी गाड़ी रोके अरे फिर दूसरा रुक जाता है तीसरा रुक जाता है ट्रैफिक जैम ऐसे हुआ है अभी बम्बई में कल गाड़ी लोग बाइक वाला चला गया घुमा के आ गया फिर किधर से कोई घुमा घुमा के लोग आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है लेकिन ये मैंने विदाउट घूम रहे हैं जस्ट लेसन तीसरा सीजन आ गया अभी तक बॉडी नहीं आया बॉडी <laughs> तो लोग एक सीन के बाद बुला मुझे कंजूस नहीं, नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं है you know, uh, लोग जैसे आपने कहा ना वाला yes. मैं अपस्ट्रीम वाला आदमी हूँ कि ऐसे करना होगा तो ऐसे होगा ऐसे दिखना है ऐसे करना है मैं कभी इन सब चीज़ों में मैंने कभी विश्वास किया नहीं है और मुझे लगता है कि मेरा अभिनय मेरी कला जो ऊपर वाले ने दी है मुझे सिर्फ उस पर काम करते रहना जो मेरी मेरे जो सरस्वती है वो ही लक्ष्मी लाएगी क्योंकि अगर तो मेरे पास वो सरस्वती नहीं है तो लक्ष्मी भी नहीं आएगी ट्रू तो मैं लक्ष्मी के पीछे नहीं भाग रहा हूँ लक्ष्मी सरस्वती के साथ आएगी लेकिन मैं ये कह रहा था कि ये मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि काफ़ी लोग तैयारी करते हैं कि इसको आप जब कोई स्क्रिप्ट पढ़ता है वो लगता है दिस इज़ माई रोल दिस इज़ माई Of वो करूँगा और फिर वो होता है नहीं है या कुछ होता है तो आदमी मायूस हो जाता है लेकिन मुझे कोई भी किरदार मिलता है वो ऑडियंस जनता ही है जो आपको चुन सकती है आप इसको डिसाइड नहीं कर सकते मैंने कोई भी रोल मिला वो छोटा हो बड़ा हो मैंने उतने ही मन से उतनी ही शिद्दत से उस पर काम किया है और ये हुआ कि भोपाल स्वामी लोगों को पसंद आ गया उसका एक कारण ये है कि अभी मैं किसी को बता रहा था आप ही के सेट पर जो बात हो रही थी निर्देशक महोदय से <laughs> कि आ, उन्होंने कहा कि इट्स बेसिकली इयर्स ऑफ प्रैक्टिस अगर मैं भोपाल स्वामी दस साल पहले करता तो शायद आपको जब मैं ये अभिनय और ये रोल आपको परोस रहा होता तो आपको उतनी भीनी महक या खुशबू या उतना मज़ा नहीं आता क्योंकि चावल पुराना होता है तब उसका बिरयानी वो जो है अच्छा mm. बनता है तो ये उन सालों की मेहनत है जो आपको रंग लाई है और आपको मजे आ रहे हैं what, what, uh, now, यूर a पर्सन दट इज ऑलवेज लुक फॉर चैलेंजेस है ना अंदर ही अंदर मेरे को अब भोपा का कैरेक्टर चैलेंजिंग सबोज नहीं रहता है एक कैरेक्टर जब चौथा सीजन आता है पांचवा सीजन आता है अब नए जो आप शोज कर रहे हो उसमें दिस यू आर लुकिंग फॉर दो चैलेंजेस इज इट डिफिकल्ट टू कंटिन्यू प्लेंग ए सिंगल कैरेक्टर मैं कई बार देखता हूँ नाइन सीजन टेन सीजन वो एक्टर्स भी पक गए थे वो रोल्स करके इंटरनेशनली अभी तक दिस विल बी द फर्स्ट शो इन सीजन फोर इंडिया आई थिंक इट्स ट्रू एंड आर ट्रेलर इज़ ऑलरेडी आउट इसका मैं एक अच्छा एग्जाम्पल ये दूंगा कि मेरा एक बहुत मनपसंद शो है सुपरानोज करके आई थिंक वो दुनिया का आज तक का सबसे बेहतरीन शो है जिसमें गन्डोल्फिनी ने जो उसमें जो रोल किया है उसमें देर आर सेवन सीजन्स टू इट सो वैन इट वेन इंटू थ्री एंड नाउ इट्स गोइंग इन टू फोर आई वॉन्ट टू आई मेरा इंस्परेशन सुपरानोज है क्या कीप इट सोफ और मेरे गुरु ने मुझे हमेशा यही सिखाया कि कीप इट फ्रेश जैसे हम लोग ये जो चीज़ें हो रही है हमारी जिंदगी में एक पहली बार हो रही है और ये कभी नहीं हुआ सो दे इज नो प्लान टू इट यस अगर आई केम इन नो प्लान दिस मुझे पता भी नहीं था कि स्टूडियो ऐसा होगा और यहाँ पे ऐसा होगा मुझे नए लोग मिलेंगे उनसे दो चार जोक करूंगा दिस बिल द एनर्जी ये जैकेट में ये ये फंस जाएगा वो बोलेंगे जैकेट उतारा दे दूसरा वाले जैकेट पहन ले ये सारी चीज़ें ही हैं जो विच कीप्स इट रियल एंड फ्रेश सो आई एम एग्जैक्टली फॉलोइंग द सेम काइंड ऑफ थिंग मैं कोई भी ऐसे प्लान नहीं करता हूँ कि अब अच्छा तीन इतना बड़ा हिट हो गया तो अब मुझे अब मुझे ऐसा करना पड़ेगा मुझे ऐसा करना चाहिए बिकॉज वहाँ पर चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं सो एम गोन स्टिल लिव इन द अननोन एंड बट आई नो वन थिंग फॉर माई गट फील दैट सीज़न फोर विल बी इवन मोर बिकर दैन सीज़न थ्री बिकॉज आई थिंक इट्स It's uh, because it's very definitely intelligent writing with Mr. Cha and his team, which is doing. Because what I'm going to do, I know myself what I'm going to do in season four, no one knows. And I can tell you, it's going to be even more bigger than season three. <laughs> 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 so he knows how big it's going to be. Audiences, uh, you know, the, the shift that has happened with films. Yeah. As an actor, can you understand it? क्या हुआ है कि सडनली जो जिनको पूछते थे अब पूछते नहीं ऐसा हो रहा है लोगों के साथ कैसे क्या लाइन मारी है पूछते और पूछते ट्रेडमार्क <laughs> बरसात हो गया right ले लिया जाए बरसात हो गया ये पूछते हैं पूछते नहीं हाँ बिल्कुल बट आई थिंक अगेन नो लाइक लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इन आर लॉकडाउन एंड पैंडमिक नो तो वो दर्शक एक्चुअली जो है ना वो काफ़ी जागरूक हो गया है उसको और uh, सिर्फ आश्रम ही नहीं कितने सारे शोज़ नए नए उभरते सितारे डायरेक्टर म्यूजिशंस कोई एक गाना बनाता है घर पे बैठे बैठे और करोड़ों लोग सुन रहे हैं और वो कहीं भी बैठ के वो गाना बना रहा है लोग सो पीपल आर हंग्री फॉर टैलेंट एंड वो सब चीज़ें लोगों के हादसे से कंट्रोल चला जा रहा है कंट्रोल uh, जो है अभी दर्शकों के हाथ में है ट्रू आप उनको अच्छी कहानी देंगे अच्छे किरदार देंगे अभी भोपा स्वामी या आश्रम अच्छी लिखाई बड़ी मन से दिल से उसको बनाया गया है और लोगों ने उसमें अच्छा मैंने उसमें पूरी मेहनत की है इसलिए लोगों को पसंद आ रहा है कि देर इज़ नो देर इज़ नो लाइक लैक टू इट कि हाँ हो जाएगा देर इज नो और क्योंकि ऑडियंस uh, वो देख सकती है एंड विद इंटरनेट लाइक आई वॉज सेंग द कनेक्ट इज सो इमिजियट एंड सो रियल कि इट इट हिट्स यू इन लाइक आपने बोला कि शाम तक <laughs>

जो मिला है मन से किया भगवान ने जो दिया उसमें खुश रहा हूँ और जो आज भी मिला है ईश्वर की कृपा है तो ये आज़लल का नया मॉडर्न अवार्ड है ना तो मैंने देखा कि पिछले दो हफ्तों में सात सौ हज़ार सात लाख लोग आते घूमते हुए गए हैं मेरे अकाउंट से और ये डीएम चेक नहीं करते कभी नहीं डीएम भी आते हैं वो

always works with them. <laughs> you know? just crack a joke, just be light about it. And uh, yeah. you know, then if you don't stop giving them attention, that's when it starts working. Ah, I like you it, brother. <laughs> are you hearing this? If those like a blueprint, hi. For example, last two lines only How to use this blueprint. Chandan brother, you are you've started now. Yes. Your time is about to come. Lots of big shows lined up. I can't wait to see you in action. I want to see also, it like it, there'll be a more. It's it's almost crazy how you started with such an extreme character of emotion. Yeah. Kamini was so much extremism. Yeah. And Ashram is almost like internalized. Correct. अभी देखते हैं क्या internal external क्या होगा आने वाले बहुत अच्छा पकड़ा आपने actually इट्स वेरी internal because over the years no you start questioning lot of things कि मेरे जैसे होता है ये हर आदमी का ये सवाल होता है ना कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है मैं ऐसा क्या कर दिया मैं तो इतना अच्छा एक्टर हूँ मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा उसके साथ क्यों हो रहा है मेरा ये नहीं चल रहा मेरा वो नहीं चल रहा ये सब आदमी एक कमज़ोर इंसान के दिमाग में कॉन्स्टेंटली घूमता रहता है और इंसान को जितना भी मिलता है वो फिर भी लगता है कि यार मेरे पास ये नहीं है मेरे पास वो नहीं है उसके पास ये है मैं मेरे साथ मैं 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 देट ईगो कि मैं ये मेरे साथ हो रहा था और देन मैंने अपने आप से बातें करना शुरू की और कहीं ना कहीं मैं एक ऐसी अध्यात्म की तरफ थोड़ा मुड़ा मैं और मुझे लगा कि अब

उसकी चीज़ें जो हैं जो एक्स्ट्रा है वो ले लिया हाँ उससे मेरे परफॉर्मेंस को अफ़ेक्ट करेंगी वो है ना तो इसलिए इतना काम और इतना खूबसूरत धोपा बना है और इससे ज़्यादा ही अच्छा और काम आने वाला है क्योंकि इंटरनलाइज जो है ये क्योंकि मैं आई एम गोइंग टू वर्ड दैट काम ने नॉ और यहाँ ही नहीं मेरे को आगे जाना है मुझे Yeah, I want to work with Anthony Hopkins, Jack Nicholson, <laughs> oh, what, oh, and the right. Ryan Gosling of the world. That's where I want to be. I want to win an Oscar. I and that's what I'm preparing for. I that this is not it. This is just the beginning, and I have 30, 40 years of life left to do that. Your dreams are big. I love it, and that's I think what the world has actually become now. You have the world pretty much in the palm of your hand in a phone, but literally in that palm, the world over can also be in touch with you, which was never possible earlier. Yes, brother. Thank you so much for joining Thanks, me. Brother, thank you. Chandan Roy Sanyal, it's just started, bhaiya, with a to, it's almost like the, the barrage, the dams are going to burst in the coming few months. Take care, and I'll see you soon. Before your entertainment, where you can watch this entire interview as well as on TV.